गाइस लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आज की वीडियो में मशीन साफ करेंगे। ठीक है, पहले ऊपर का जो भी है उसको अच्छे से साफ कर लेंगे मशीन को। फिर इसके पार्ट्स को ओपन करेंगे और इसको भी साफ करेंगे। मशीन में महीने में 1 से 2 बार खोलनी चाहिए। उसमें प्रॉपर तेल डालना चाहिए जिससे कि हमारी मशीन बिल्कुल स्मूथ चलेगी, उसमें आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी हम ऊपर का पार्ट खोलेंगे और जो पार्ट खोल रहे हैं उसको खोलने के बाद साफ करना है। उसको तुरंत ही हमें दोबारा से उसका स्क्रू स्क्रू सब टाइट कर देना है। ठीक है, खोल के सारे पार्ट्स मिक्स नहीं कर देने, नहीं तो आपको ये कन्फ्यूजन होगी कि कौन सा पार्ट कहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो ऊपर का भी हमने स्क्रू खोला है। ये वाली प्लेट उठा के हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही डस्ट भर जाता है। जैसे कपड़े पे धागे होते हैं उसका, उसके ऊपर जो मिट्टी से जमी होती है वो भी उसके ऊपर डस्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही डस्ट हो जाता है मिट्टी से। ठीक है, इसको खोल के ये भी साफ कर लेंगे। इसका हम इसके पैर खोल रहे हैं, इसका पैर और वो प्लेट ऊपर की, उन दोनों को हमने खोला है। ठीक है, आप चाहे तो एक एक करके ही खोलें, सब साथ में ना खोलें। ठीक है, आपने ऊपर की प्लेट खोली तो ऊपर की प्लेट ही खोली, या फिर वो उसका पैर है जो उसको खोल लें। अब हम इसको सुई वो सुई या पिन की मदद से साफ कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही बारीक बारीक सा होता है, तो उसमें मतलब कोई मोटी सी चीज नहीं, मोटी सी चीज से नहीं साफ होता। तो हमने इसको पिन या फिर उसकी सहायता से साफ करेंगे। ठीक है, ये हमने ईयरबड ले लिया है और जो भी डस्ट है वो उसकी मदद से इसमें मतलब इससे साफ हो जाएगी, तो इसलिए हमने इसका यूज किया है। प्लस हमने यहाँ पे पिन यूज की है। यहाँ पे जो दिख रहा है ना कांटे कांटे से हो रहे हैं, उसके ऊपर उसके बीच में पतली सी पिन ही जा सकती है या फिर सुई जाएगी, उसके अंदर और कुछ नहीं जा सकता। ठीक है, तो हमने इसको अच्छे से साफ कर लिया है। साफ करने के बाद हमने जैसे निकाला था वैसे ही हम इसको वापस सेट कर देंगे। जिस साइड का स्क्रू है वो उसी साइड पे स्क्रू लगाए, उसके एक्सचेंज ना करें बिल्कुल, नहीं तो लूज होने का। ठीक है, हम इसको टाइट कर देंगे। ये हमने एक साइड का टाइट कर दिया, ये दूसरे साइड का। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर का पार्ट था जो कि हमने बिल्कुल साफ कर दिया अच्छे से। आप चाहे तो साथ के साथ यहाँ पे तेल भी डाल सकते हैं, या फिर लास्ट में ही सब पार्ट्स में एक साथ तेल डालें। अब हम जो हमने पैर निकाला था इसका वो भी इस पर सेट कर देंगे। ऊपर की साइड बिल्कुल भी लूज ना करते, ऊपर सेट करके इसको यहाँ पे भी स्क्रू लगा देंगे। जैसे हमने निकाला था वैसे ही वापस बैक हमें इसको लगाना है। ठीक है, इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। ठीक है, अब हमने मशीन को उठाया है ऐसे, और अब हम ये जो जहाँ पे हम शटल डालते हैं ना वो वाला पार्ट, यहाँ पे इस वाले पार्ट को खोलेंगे और इसी पार्ट में हमारा जो धागा फंस जाता है उसकी वजह से हमारी मशीन टाइट चलती है। तो इस प्रॉब्लम को भी हम इसी तरीके से ठीक कर लेंगे। यहाँ से हम इस शटल वाले पार्ट को खोल लेंगे और इसको भी अच्छे से साफ कर लेंगे। इस अगर हम इस वाली मशीन मतलब इस टाइप से मशीन साफ करते हैं तो हमारी मशीन जो बिल्कुल स्मूथ चलती है, बिल्कुल भी आवाज नहीं आती है। प्लस तेल डालते रहे, ज्यादा भी तेल नहीं डालना है, नॉर्मल जितना मशीन को जरूरत है उतना ही तेल डालना है। ठीक है, ये हमने ये वाला पार्ट निकाल लिया है। ये जो इस साइड है ना इसका गोल से साइड है जो, वहीं पे धागा फंस जाता है जिसकी वजह से हमारी मशीन भारी चलने लगती है। और जो भी सिलाई करता है उसको तो मशीन साफ करनी आनी चाहिए, क्योंकि बार बार तो कोई मशीन रिपेयर करने वाले के पास नहीं लेके जा सकता। तो ये तो नॉर्मल है, इतना हम सबको आना ही चाहिए। तो ये जब भी कोई बंदा सिलाई सीखता है तो फिर क्या कि उसको हमेशा सिखाया जाता है कि मशीन का साफ करते हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए ये वाली वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैंने मशीन साफ करके आपको बताई है। अब इस ये जो हमें नट दिख रहा है हम इस नट को भी खोलेंगे, और ये नट खोलने के बाद जो इसके अंदर 3-4 पार्ट जो सारे के सारे नहीं निकल जाएंगे, सारे पार्ट सिर्फ एक नट पे ही टिका हुआ है। तो इसको हम अच्छे से खोलेंगे और देखेंगे कि हमने कैसे खोला है। वापस वैसे ही हमें इसके अंदर डालना है इसको। ठीक है, तो अभी हम ये जो हमने ये पिन वाली साइड साफ की है यहीं पे बहुत ही धागा फंस जाता है जिसकी वजह से मशीन हमारी भारी चलने लगती है। तो इसको अच्छे से साफ करेंगे, बिल्कुल भी डस्ट ना हो, बहुत ही बारीकी से हमें इसको साफ करना है। ठीक है, कपड़े से साफ कर लेंगे इसको। ठीक है, तो जैसे हमने मशीन के पार्ट्स अलग अलग किए हैं ये वैसे ही हम इसको वापस सेट कर देंगे। ठीक है, तो
हमने ये यहाँ पे भी साफ कर दिया, यहाँ पे भी डस्ट हो जाता है बहुत, ठीक है। तब इसको हम ऐसे लगाएंगे, इस जैसे मैं ये रख रही हूँ वैसे लगाना है, मैं इस साइड से बिल्कुल नहीं लगाना है, इस साइड से लगाना है जैसे मैंने रखा है अपने हाथ पे, आप भी वैसे ही रखें। और उसके बाद हम ये वाली प्लेट लगा देंगे इसके ऊपर, ये फर्स्ट एंड सेकेंड एंड ये थर्ड है, ये थर्ड प्लेट है जब हम इस पर रखेंगे ऐसे, इस बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल दोनों साइड बराबर रखना है हमें। और इसके बाद हम इसमें स्क्रू जैसा हमने निकाला था वैसे ही इसके अंदर स्क्रू वापस डाल देंगे, और इसको भी अच्छे से टाइट करेंगे, बिल्कुल भी लूज ना रहे। ठीक है, ये ऐसे हमारा घूम रहा है, ऐसे ही ये नॉर्मल घूमेगा। आप चाहे तो यहाँ पे तेल भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये इस साइड से हमारा राउंड है तो वो उस साइड से राउंड है, दोनों आमने सामने होना चाहिए तब ये बैठेगा, दोनों एक जैसा नहीं होना चाहिए। इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे भी स्क्रू लगा लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, या फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लस अगर आपसे मतलब आपको लगता है कि मशीन अगर आप ठीक कर पाए तो ही खोले, वरना हम ना खोलें, या कहीं आपको लेने के देने पड़ जाए, जो भी है, आप जब आपको समझ में आ रहा है कि मैंने कैसे खोला है कैसे डाला है, तो आप उसी तरीके से करें। और ये ज़्यादा कठिन भी नहीं, बहुत ही इजी है। आप एक पार्ट को खोल रहे हैं, उस पार्ट को क्लीन करें और उसको साफ करके अच्छे से आप उसको दोबारा से वापस वहीं पे लगा दें। कोई भी पार्ट है तो उसको सब पार्ट्स को खोल के एक साथ नहीं रखना है, जो पार्ट आप खोल रहे हैं वो पार्ट पहले आप अच्छे से साफ कर लें, उसको दोबारा से वैसे लगा दें, फिर दूसरे पार्ट को खोलें, इससे आपको भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट है, ऊपर उस साइड का हमने साफ कर दिया है। ये नीचे के पार्ट से यहाँ पे भी हम डस्ट, और जो जिसकी क्या कहते हैं जिसकी पैर वाली मशीन होती है वहाँ उसका तो ये चीज ओपन ही रहता है, तो यहाँ पे भी बहुत डस्ट हो जाता है, तो उसको भी हम अच्छा साफ कर लेंगे। और जितने भी ज्वाइंट्स है ना, अब वहाँ पे हम तेल डालेंगे, हम सारे ही पार्ट्स में तेल डाल देंगे, जितने आपको लगा कि जहाँ पे होल है जहाँ पे ज्वाइंट्स आ रहे वहां पे तेल डालना चाहिए था, वहां पे तेल डाल दो, ज्यादा तेल नहीं डालना है, नॉर्मल डालना है हमें तेल, ठीक है। तो ये अब हमने नीचे डाल दिया, ऊपर की साइड डाल रहे हैं, यहाँ पे देखो ऑयल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी डाल देंगे, ठीक है। तो जहाँ पे भी होल है वहां पे सब पे ही हम तेल डाल देंगे, और हमने ऊपर का एरिया था उसको भी साफ कर लिया, नीचे भी साफ कर लिया, तेल भी डाल दिया है, सब कर दिया है। अब इसका जो लास्ट वाला पार्ट है उसको भी खोल के साफ कर लेंगे, जैसे ये ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पे एक नट लगा रहता है, उसको ओपन करेंगे तो पूरी प्लेट निकल जाएगी, ठीक है। ये फिर हम इस प्लेट को निकालेंगे बाद, इसके अंदर का जो पार्ट है उसको भी क्लीन कर देंगे और वहां पे भी तेल डाल देंगे, ठीक है। ये इस तरीके से हम साफ कर देंगे अच्छे से। ठीक है, तो इसको हम कपड़े की मदद से साफ कर लेंगे, और साफ करने के बाद यहाँ पे भी तेल डाल देंगे, जहाँ पे आप लोगों की तेल डालना चाहिए वहाँ पे आप तेल डाल दें, जो भी जॉइंट्स है वहाँ पे तेल डलेगा ताकि वो अच्छे से, ठीक है। ये और क्या कहते हैं, ठीक है, अभी हम वो पार्ट हमने साफ करके इस पे तेल डाल, उसको वापस जैसे हमने निकाला था वैसे ही इसको भी इसको टाइट कर देंगे, लगा देंगे अच्छे से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।